5 जून को देश दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सोलन के स्कूली बच्चियों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु एक रैली का आयोजन किया। यह रैली गर्ल्स स्कूल के सपर्णा इको क्लब व एनएसएस की छात्राओं द्वारा निकाली गई। रैली गर्ल्स स्कूल से शुरू होकर पुराने बस स्टैंड पर समाप्त हुई। इस रैली में स्कूली छात्राओं ने नारों के माध्यम से शहरवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर गुरुकुल स्कूल में भी छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु शपथ दिलाई गई। छात्रों ने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। आइए जानते हैं इस मौके पर मौजूद स्कूल अध्यापिका हितैषी शर्मा ने क्या कहा। तो हमने आज रैली निकाली है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, लोगों को अवेयर करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए। तो हमारा जो मेन मोटो है इसके लिए कि हम पर्यावरण के प्रति हर व्यक्ति को, छोटे बच्चों को, सबको सचेत करें। जैसे इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस पे जो थीम है वो एयर पॉल्यूशन पे है। एक्चुअली हर व्यक्ति चाहता है कि उसको साफ़ सुथरी हवा मिले सांस लेने के लिए, और पॉल्यूशन की वजह से आपको पता है कि हमारे जो एयर है वो कितनी पॉल्यूटेड हो गई है। पॉपुलेशन बढ़ गई हुई है ऑटोमोबाइल्स की वजह से, पेड़ कट रहे हैं, ग्रीन एरिया कंक्रीट में डेवलप हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि पर्यावरण दिवस पर हर व्यक्ति अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित करे, अधिक से अधिक पेड़ लगाए और औरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करे। और हिमाचल में 4 लेन की वजह से हम देख ही रहे हैं कि कितना पेड़ कटे हैं, यानी कितनी स्पीसीज जो हैं वो हमारी विलुप्त होने के कगार पे हैं और कितनी हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पॉल्यूशन ना। अर्थ प्रकाश के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।